हेलो व्यूअर्स, आज हम वॉल्वो V8R की हाइट कैलिब्रेशन करेंगे विद जाल्टस V9। ये हमारे पास व्हीकल आई है जिसकी इशू है कि गाड़ी की लेफ़्ट साइड झुकी हुई है, मतलब लेफ़्ट साइड की जो हाइट है वो झुकी हुई है, लेकिन इसकी जो स्विच है, जो मैनुअल स्विच है, वो परफेक्टली वर्क कर रही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो हम आज इसकी हाइट कैलिब्रेट करेंगे। सबसे पहले हम व्हीकल को कनेक्ट कर लेते हैं, बस में चलते हैं वॉल्वो में। उसके बाद उसका मॉडल हमें सिलेक्ट करना है, V8R। कि सस्पेंशन मॉड्यूल को हम कनेक्ट करते हैं। कनेक्ट करने के बाद सबसे पहले हमें यह देखना है कि डायग्नोसिस में कोई एक्टिव कोड है कि नहीं। यहाँ आप डायग्नोसिस पे देख रहे हैं कि कोई एक्टिव कोड नहीं है, और ये जो कोड है हम डिलीट करते ही वो इरेज हो जाएंगे। तो इरेज होने के बाद, जैसे यहाँ पे कोई कोड एक्टिव नहीं है, आप देख पा रहे हो, फिर से मैं जब डायग्नोसिस पे जा रहा हूँ, तो हमें इसे गाड़ी को मैन्युअली पहले इसकी जो हाइट है अलाइन करनी पड़ेगी, और वो अलाइन हम करेंगे एक्चुएट कंपोनेंट से। यहाँ पे जो बटन आपको दिख रहा है, जो इसकी मैनुअल बटन है, वो परफेक्टली वर्क कर रही है। मतलब गाड़ी में आपकी कोई कोड नहीं है, गाड़ी के क्लस्टर में कोई कैलिब्रेशन आउट की कोड नहीं आ रही है, लेकिन गाड़ी की जो प्रॉब्लम है, एक साइड गाड़ी झुकी हुई है। तो हम अभी इसको पहले अलाइन करेंगे अपने टूल से, उसके बाद इसकी रीकैलिब्रेशन करेंगे। तो अलाइन करने के लिए हमें ऑप्शन जाना पड़ता है एक्चुअल कंपोनेंट्स में, और रेज और लोअर एक्सल जो ऑप्शन है उसको सिलेक्ट करना है। उसके बाद इसकी एक्सल सिलेक्ट करेंगे हम लोग 4:2। सिलेक्ट करने के बाद इसका प्रोसेस ये है कि जिस साइड में आपकी प्रॉब्लम है या जो एक्सेल में आपकी प्रॉब्लम है, वो मैन्युअली आपको देख के उसकी एक्सेल आपको अप या लोअर करना है। तो यहाँ पे हमारी जो इशू थी कि लेफ़्ट साइड लोअर, मतलब झुकी हुई थी, तो हम सबसे पहले फ्रंट साइड की ऑप्शन हमने सिलेक्ट किया, उसके बाद उसको हम रेस कर रहे हैं क्योंकि वो झुकी हुई थी। तो जिस तरीके से हम रेस कर रहे हैं, वो अपने हिसाब से आपको लाइव देख के पता करना है कि कितना आपको उसकी हाइट ज़्यादा उठानी है या फिर लोअर करनी है। अब मैं लेफ्ट ड्राइव एक्सल के पीछे वाले के लेफ्ट साइड में को रेस कर रहा हूँ, और उसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर रहा हूँ। इसका मेन प्रोसेस है कि आपको जो गाड़ी है, इसकी सारी व्हील्स इसकी लेवल पे होनी चाहिए, मतलब एक ही लेवल पे होनी चाहिए। अगर कोई भी एक्सेल झुकी हुई है, कोई भी एक्सेल एक उठा हुआ है या एक लोअर है, तो वो अपने हिसाब से आपको यहाँ से एक्चुएट कंपोनेंट से उसको पहले लेवल करना है, क्योंकि आपका जो बटन है जिसमें कैलिब्रेट हो, जिस पोजिशन में कैलिब्रेट होगा, उसी पोजिशन से फिर वो अपर और लोअर होगा। तो सबसे पहले ये जो वॉल्वो की प्रोसेस है, आपको चारों इसकी व्हील लेवल पे लानी होगी, जिस लेवल में आप इसको जो स्विच है आप उसको एडजस्ट करना चाहते हो। जब आप सारे व्हील्स अलाइन कर दोगे, मतलब सारे व्हील्स एक ही लेवल पे रहेगा, तो उसके बाद आपको एक बार वापस जाके देखना है कि कोई कोड जनरेट हुआ कि नहीं जब आप एक्चुएट कर रहे हो। जैसे यहाँ देख रहे हो कि कोई कोड है नहीं, तो अब हम जो स्विच है उसको कैलिब्रेशन करेंगे, या फिर आप बोल सकते हो कि हाइट कैलिब्रेशन करेंगे। तो अब हम प्रोसीड कर रहे हैं हाइट सेंसर्स कैलिब्रेशन पे। इनिशियल कंडीशंस आपको देखनी होती है, प्रोसीड करेंगे, इसकी एक्सेल सिलेक्ट करेंगे 4:2 और राइट कर देना है। जैसे ही मैंने राइट किया, आप देख पा रहे हो नीचे सारे कैलिब्रेशन ओके लिखा हुआ आ रहा है, कैलिब्रेशन ओके। इसका मतलब है आपका कैलिब्रेशन सक्सेसफुल रहा। अगर ये नहीं अनसक्सेसफुल रहता, तो आपको री एडजस्ट करके इसको कैलिब्रेट करना पड़ता।
जैसे हमने कैलिब्रेशन कर दिया उसके बाद आप देख पा रहे हैं कि हम मैन्युअली स्विच से इसको अप डाउन कर रहे हैं और सारे व्हील्स अलाइंड है।